अबे अबे साले भाग कर रहा है, हमें सुन, आज तुझे छोड़ेंगे नहीं बेटा, आज तुझे पार्टी देनी ही पड़ेगी, पकड़ पकड़ जल्दी, कितना भी भाग ले बेटा छोड़ेंगे नहीं, आज तुझे पार्टी देनी ही पड़ेगी। आज पकड़ लिया ओए, आज पार्टी देता है क्या? अबे सब कुछ तो छीन लिया, भाग कर रहे हो, पार्टी ले बिना हम मानेंगे नहीं। इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं और बिना पार्टी के भाग रहे हैं। हाँ, अरे इससे बात करके कोई फायदा नहीं, चल लेके चलते हैं। अबे दे चलो ना यार, जल्दी पार्टी दे, पार्टी दे। हाँ क्या नीचे गिरे हुए फूल बालों में लगा रही हो? ये पौधे पर है वो लगा लो ना। चाची हम बालों में फूल लगाते हैं तो शाम तक सूख जाते हैं, अगर पौधे में लगे रहेंगे तो खिले रहेंगे। चाची मेरी समझ में नहीं आता, लो आरती लो। चाची प्रसाद नहीं है? सारा प्रसाद तो तुम्हारे चाचा खा गए। टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। कोई बात नहीं चाची, प्रसाद खाए हैं तो पुण्य ही मिलेगा, ज्यादा खाएंगे तो पाप लगेगा। अरे बातें करना छोड़, कॉलेज जा जल्दी। बाय 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 चाची, बाय। हमें भी ऐसी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। हमारी दो बेटियां हो शायद ऊपर वाले को पसंद नहीं था, ये ज्यादा ही सेंसिटिव है, पता नहीं इसे पति कैसे मिलेगा। Yes. Okay, let's go. दे दे बाबा दे दे, अरे कोई तो दे दे, अरे दान करो बाबा दान करो, अरे दान करो, कुछ देकर जाओ। ए चल, ए चल रहे बीएफ, ए दे दो जीजी, ए दे दो जीजी। बीएफ बोल रहे हो? मुझे जीजी बोल रहे हैं। बीएफ मतलब बैड फेलो और जीजी मतलब होता है गुड गर्ल। हाउ इज इट? यस, दान करो, दान करो मैडम। तुमको सलमान खान जैसा बॉयफ्रेंड मिले। थैंक यू, आई मेंशन नॉट। दे दो मैडम, तुम्हें जॉन अब्राहम जैसा बॉडी वाला मिलेगा। गो। तुम्हें शाहरुख खान जैसा बॉयफ्रेंड मिलेगा। शाहरुख जैसा बॉयफ्रेंड मुझे नहीं चाहिए, चलो पैसे वापस दो। नहीं चाहिए हाँ तो ठीक है, प्रभास जैसा बाहुबली मिलेगा। हाँ, हाँ वो चलेगा। थैंक यू। अरे नारायण अपना घर कैसा है रे? वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है रे। अपनी माँ कैसी है? दवाई खा के मस्त है वो। हमारे बच्चे कैसे हैं? प्रभु की दया से बहुत अच्छे हैं। हमारी पत्नी कैसी है? अबे हमारी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी बे। बास्टर्ड। कमाल है यार, सब बातों में तो हमारी हमारी करेंगे और जब पत्नी का नाम आता है तो गुस्सा हो जाते हैं। माता सरस्वती ने सबको पढ़ाई दी और मुझे क्या दिया? बेगर। कोई बात नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा, मैं धंधा करता रहूँगा। इधर आ, सीनियर को वेश करना नहीं आता है क्या तुझे? वो क्या है कि कॉलेज में आज मेरा पहला दिन है, कैसे बात करना है, किससे बात करना है, ये सब मुझे नहीं पता ना। फर्स्ट डे क्या करना है, फर्स्ट नाइट में क्या करना है, ये तुझे कोई नहीं बताएगा। ये तुझे नहीं समझना है भाई, मेरी एक स्पेशलिटी है, मतलब मेरे में कुछ स्पेशल है भाई। संभल यार। भाई वो क्या है कि मैं बहुत अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ भाई, कुछ करके दिखाऊं। अच्छी बात, कुत्ता कैसे भौंकता है बता। कुत्ता अभी बताता हूँ। अच्छा, अबे कुत्ते और गधे में फर्क नहीं है क्या? ये तो गधे की तरह। केवल जानवरों की आवाज निकालते हो कि एक्टर की भी? हाँ एक्टर की आवाज निकालता हूँ मैं। अच्छा तो मैं आपको एक एक्ट्रेस की आवाज सुनाता हूँ। okay. देखो ओके okay. अरे तुमको पता नहीं है फटे प्यार किया है मैंने, फटे अगर मेरे बीच में काट के रख दूंगा समझा।
मित्र से आपकी दुश्मनी है क्या भाई? मार खाने के बाद भी समझ में नहीं आया? वो तो नहीं समझा मगर समझना पड़ेगा भाई। समझ गया। और सुन, अपने टाइम पास के लिए ना तेरे जैसे ही नमूने ढूंढ रहे थे हम, उधर जाके खड़ा हो जा। चल जा मिस्टर परफेक्ट, इधर आ। हाँ जी। क्यों रे, नया चश्मा है क्या? जब लिया था तब नया ही था। तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ी है? नाम भी रवि तेजा है मेरा। अटक मत कर, ये लेटर ले और पोस्ट ब्लास्ट में डाल। क्या कहा? क्यों रे, मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? एक्चुअली मैं ठीक से सुन नहीं पाया। क्या मैं फारसी में बोल रहा हूँ? ठीक है, इस बार मैं जो बोलता हूँ तू उसे समझ के बता, ठीक है? तुम्हार हृदय फूलेर मतो सादा आर पवित्र। आपका दिल फूल जैसा सफेद और पवित्र। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा कवि है। लेटर बॉक्स में डाल दे। ए, इधर आ। ये लेटर उस लड़की को दिया। वो लड़की मारेगी भाई। नहीं रे, चुम्मा देगी। जाबे। ठीक है। एक्सक्यूज मी। इतना सुंदर चेहरा ढक के क्यों चलती हो? जरा दिखाओ तो। ए, ये पड़ी। मॉर्निंग गुड सर। क्यों बे रिवर्स, तू यहाँ पे कैसे? 5 साल से आपसे कोचिंग लेके कोई मेरा फायदा नहीं हुआ। दूसरी कोचिंग में गया तो यहाँ पहुँच गया। समझ गया ना सर? तू वापस वहीं चले जा, बैठ। अरे सर, बोर्ड को क्यों चूम रहे हो? आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है, इसलिए मैं तुम लोगों से जनरल क्वेश्चन करूंगा। कौन बनेगा करोड़पति? मतलब हम में से कोई ना कोई करोड़पति बन ही जाएगा। चाहोगे तो करोड़ रुपए तो मिलते ही हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे पैसे नहीं डंडे मिलते हैं। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान जी ने इस उंगली से उठाया था। इस उंगली से नहीं सर, इस उंगली से उठाया था। थैंक यू। अरे ये सब झूठी बातें हैं सर, अगर ये सब सही होता तो गिनीज बुक में उनका नाम तो आ ही जाता ना। अरे तब गिनीज बुक, फेसबुक ये सब कुछ नहीं था, डर्टी बुक था। खेल के बारे में बात कर। खेलना है तो खा पी के खेलना चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे ना। अच्छा सुनो, करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर जानने के बहाने आप अपना अफेयर कर रहे हो क्या सर? अच्छा तुम बताओ, भगवान के प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से कंपेयर करके बताना। ब्रह्मा सिस्टम इंस्टॉलर, विष्णु सिस्टम ऑपरेटर, शिव सिस्टम प्रोग्रामर, नारद डाटा ट्रांसमीटर, यमराज डिलीटर, ब्रह्मा अप्सरा वायरस, गणपति एंटीवायरस, हनुमान ईमेलर, चित्रगुप्त हार्ड डिस्क, सरस्वती इंटरनेट एक्सप्लोरर, पार्वती मदरबोर्ड और लक्ष्मी देवी एटीएम कार्ड की तरह काम करते हैं सर। तुमने तो बहुत ही अच्छा समझाया। थैंक यू। तुम क्या जूनियर लेजेंड की तरह बैठे हो? लाइफ के बारे में एक लाइन में बता सकते हो क्या? लाइफ का मतलब जीतना है सर, हारना नहीं। सबको SMS कर देना। मेरा एक डाउट क्लियर करिए। तुम्हें डाउट नहीं, डिस्टर्बेंस है। मेरा एक सवाल है सर। ये मेरे से सवाल पूछेगा? पूछो। हमारा 1000, हमारा 100, हमारा बोर्ड में लिखे सर। पागल है तू। सर आपने 1,11,101 लिखा सर। आप हमें लेसन सिखाते हैं और हम सुनते हैं। ये ए, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम्हारा रैंक क्या है? 001 सर। तो रैंक तुम्हें कैसे मिला? तुम्हारा रैंक क्या है? 70 सर। तुम्हारा रैंक? 420 सर। मैंने तुम्हारे करेक्टर के बारे में नहीं पूछा। मैं तो अपना रैंक ही बता रहा था सर। दोनों एक ही है क्या? तुम्हारी रैंक क्या है? मेरा 7th रैंक है सर। और तुम्हारा? मेरा तो 5th रैंक है सर। ओहो, बैठो। तुम लोगों का फेस और रैंक तो मुझे मैच नहीं कर रहा है। मैं एक छोटा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। यू प्लीज राइट अबाउट आयोनिक बॉन्डिंग, कॉल इट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। पहला कौन हो सकता है
अपने आप को तोप समझते हो, बैठ जा। मिस अंजलि कांग्रेट। थैंक यू सर। अरे सुन, लगता है इसको लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है। अरे भाई, इनका ये वीकनेस मुझे पहले से पता है। ये मास्टर जी भी ना कुछ सिखाते नहीं है, सिर्फ टेस्ट कराते रहते हैं। सच कहा तूने, इन्हें कुछ आता होगा तभी तो सिखाएंगे ना। वो कुछ नहीं जानता और तू उसकी कॉपी करेगा। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है करण। यस। एक्सक्यूज मी। उस दिन रवि ने कहा था इसलिए मैंने लेटर दिया था, आज तो कुछ नहीं किया मैंने। कंग्रेचुलेशन। थैंक्स। कल मैं फर्स्ट आई तो तुम्हें जलन हुआ? हाँ, लेकिन अभी तुम्हें जलन नहीं हो रही है क्या? मुझे क्यों जलन होगा, तुम अच्छे से पढ़ के आए तो फर्स्ट आए। मैं भी अगर अच्छे से पढ़ाई करती तो फर्स्ट आती। Anyhow, small gift for you. कोई भी फर्स्ट आए तो मैं उसे गिफ्ट देती हूँ, ये मेरी आदत है। Thanks. I'm Karan. अंजलि। Friends? Friends. अभी तो कोई गुस्सा नहीं है ना? नहीं। चलो। अरे रोज रोज लड़कियों की रैगिंग करके बोर हो गए यार, आज लड़कों की रैगिंग करते हैं। सही सोचा यार। ए, रुक रहे। लेडीज क्लब ने तुमको रैगिंग करने के लिए फिक्स कर दिया। हाँ, इसकी हाइट नापो। अरे मीटर टेप से नहीं रे, तेरे पास मैच बॉक्स है क्या? हाँ हाँ, सिगरेट पीनी है। अरे पीने के लिए नहीं, ढक्कन, मैच स्टिक से इसकी हाइट नाप। मैच स्टिक से इसकी हाइट नापो? यस। ठीक है, ज्यादा शर्मा मत, नीचे देख कर नाप। एक हुआ, दो हुआ, अब तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, छह हुआ, सात। अरे ढक्कन, शुरू से वापस नाप। हाँ ठीक है ठीक है, नाप तो आप हिलना मत। एक, दो, तीन, चार, पांच। तेरे से जल्दी नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, अब होगा। एक, दो, तेरी तो मैचस्टिक से गिनना है, सर से नहीं। नहीं नहीं, इस बार तो होके रहेगा। दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। अब तो मैं समझ गई, माचिस में तीली घिसो या तीली में माचिस, जलती तो ऐसी तीली ही है। कमाल है। हेलो, तुम कैसे हो बेटा? मैं खुश हूँ माँ, तुम कैसी हो? मैं खुश हूँ बेटा। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? फर्स्ट टेस्ट में मुझे फर्स्ट रैंक मिला है माँ। सेकंड टेस्ट में भी तेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए बेटा। श्योर माँ। छोटू क्या कर रहा है माँ? छोटू तो सो रहा है, पर तेरे डैडी अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है माँ। बाय बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। दान कीजिए। ए बहन जी, माता जी दान कीजिए। दान करो साहब। अरे दान करो भाई, दान करो भाई। दान मान कुछ नहीं है। अरे, अरे तुम मुझे 100 रुपया दोगे तो मैं तुम्हें एक सिगरेट बताऊंगा। हाँ हाँ, देखे तेरे जैसे। तुम 100 रुपया अपने पास ही रखो। ए, सुनो सुनो, तुम अरविंद और श्वेता से प्यार करते हो? तुम्हें कैसे पता? इससे पहले वो लड़की बोली कि मैं अरविंद से प्यार करती हूँ, कैसे भी तुम उसे ये बात बता देना। बता दी। अरे ए, मुझे नहीं, उसे दे दो वरना किसी के साथ भाग जाएगी। बेबी बेबी दान दो। आंटी दान तो आंटी। हाँ, मैं बस आ रही हूँ सोना। जितना इसका फोन का बिल आता होगा उसमें तक फ्लैट खरीद सकते हैं। अरे अरे आ गया साफ सुथरा। ये क्या कर रहे हो तुम? मोदी साहब ने बताया कि स्वच्छता अभियान चलाओ।
Keep it up, my boy. Keep it up बोला या ये get up के बारे में बोला? चलाओ। एक चल तू इधर। छोड़ो श्वेता। क्या कहा तूने कि मैं और अरविंद शादी कर रहे हैं? मैंने तो झूठ बोला। अब भीख मांगने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन इसको यकीन करना चाहिए क्या? अच्छा अब देख लीजिए, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मैं शादी कर रही हूँ। फुल बॉडी पेन हो रहा है, मसाज के लिए जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, बाहर बाहर जाना पड़ेगा। ए जी, न्यू एडमिशन है क्या? हाँ सिस्टर, ये कैंटीन कहाँ है? अरे कैंटीन थोड़ी चल के आएगा, चल फुट यहाँ से। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, कोई प्रपोज किया है क्या? यार मैंने उसको प्रपोज किया था, लेकिन वो अभी तक जवाब नहीं दे रही। मैं कैसी लग रही हूँ? वो तो मेरा जीजा ही बता सकता है। अच्छा तो ये जीजा है? नहीं ब्रदर हूँ। हेलो ब्रदर, रस्पा नापो। ए बैटरी इधर आ जरा, मैं भी सुंदर हूँ ना? जरा मोटी हूँ। लड़की की सुंदरता दिल से देखो, आंखों से नहीं। यार बड़े दिल वाला नहीं हूँ ना सिस्टर। ए सिस्टर किसे कहता है, इसे सिस्टर बोल, चल जल्दी। क्या यार इसको सिस्टर बोलो तो बहुत नाराज होती है। सिस्टर इस ड्रेस में अखिल फ्लैट हो जाएगा ना? अखिल फ्लैट? फ्लैट नहीं अपार्टमेंट हो जाएगा, चलो निकलो। चल इसी। अरे चल निकालते हैं चर्बी इसकी। सारे लड़के ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब? अब सब मुझे पीटोगे क्या? नहीं नहीं राखी बांधेंगे। राखी बांधो। लगता है जिंदगी में मेरी शादी नहीं होगी। भैया ने बहना को राखी बांधी है, भैया ने बहना को राखी बांधी है। देवी चिंतामणि। अरे पागल, ये चिंतामणि नाटक नहीं है। तो फिर क्या ये हरिश्चंद्र का नाटक है? ये हरिश्चंद्र नाटक भी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राधा कृष्ण का ही नाटक हम लोग करेंगे, और इसके लिए हैंडसम कृष्णा, ब्यूटीफुल राधा चाहिए। आप लोगों में से कौन करेगा? राधा कृष्णा सच में थे? ऐसा मैंने कभी सुना तो नहीं था। तुमने सुन लिया ना, चुपचाप जाके बैठ जाओ वहाँ। क्यों रे, जूते का पॉलिश मुंह पे लगा के आया है? नेचुरल ब्यूटी सर, कृष्ण जो बनना है। तू कृष्णा नहीं लगेगा, निकृष्णा लगेगा। चल निकल। सर माल के लो। मैं ऑलरेडी कृष्ण के लिए फिट हूँ सर। कृष्णा को दाढ़ी नहीं थी, वो तो मैं शेव कर लूंगा सर। चल निकल। कृष्णा के रोल के लिए कोई भी लड़का हमारे कॉलेज में नहीं है क्या? सर आप दूर क्यों जा रहे हो? तो तू कृष्णा बनेगा? अब ऐसे दिन आ गए क्या? अभी तक हम लोगों ने इसको ऑन स्क्रीन देखा था, लेकिन आज इसको देखो ऑफ स्क्रीन देख रहे हैं हम लोग। क्या बात है, ओह क्या तेज है इसके चेहरे के ऊपर। ये तो सर आपकी मेहनत का कमाल है। मेहनत तो कुछ नहीं, ये सब कुछ मेरी आंखों का कमाल है। कैसी बातें करे सर, देखो तो सही, आपकी दोनों आंखें तो ऊपर के माले में है। मेरा मतलब आंखें तो नीचे लाइए। ओके, अभी तू मेरी बात सुन, अभी तो जोड़ी अधूरी है। राधा कहाँ है? राधा राधा कहाँ है? राधा उधर है। राधा जा जा, जाना तुझे बुला रहे हैं। जा तुझे बुला रहे हैं, जा जा। आ जाओ राधा। समीरा, ए समीरा रुको। क्या है समीरा, तुमने हमारे प्यार के बारे में कुछ सोचा? तुम यहाँ पढ़ने आए हो या प्यार मोहब्बत करने आए हो? हर चीज में तुम जानते हो तुम क्या हो? जीरो। पढ़ाई लिखाई में जीरो। कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी क्या है? अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो भी मैं प्यार कर लेती। ना तो तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो और ना तुम्हारे पास गाड़ी है। आजकल की लड़कियाँ प्यार में आँखों का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करती हैं। लड़का अगर केयरलेस हो तो भी चल जाता है, पर तुम्हारे जैसा कैरेक्टरलेस तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। चल बोल मत कर। इधर आ। गांव कौन सा है? विजयनगर है भाई। और तुम्हारा? विजयवाड़ा। विजयनगर वाले को विजयवाड़ा ही चाहिए क्या?
तुम लोग फर्स्ट ईयर में आके यहाँ प्यार कर बैठे तो हम जैसे फाइनल स्टूडेंट का क्या होगा? आज के बाद अगर तुमने इस लड़की की तरफ नजर भी उठाई तो तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। अगर इसने तेरी तरफ देखा एसिड डाल दूंगा। ए, एक बात ध्यान रखना, हर क्लास में मेरे चमचे हैं। चले ए, तू रुक, तुम जाओ गो, और तू उस तरफ से घूम के जा जा। लेकिन भाई, अरे जा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। नोटिस बोर्ड पे तुम लोगों के मार्क्स लिखे सबने देखा? नहीं देखा सर। देखा तो भी तुम्हारा मार्क्स तो नहीं होगा, तुम लोग देख के भी सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए लिस्ट में खुद लेकर के आया हूं। विद्या तुमको थोड़ा हार्डवर्क करना होगा। सर मेरे कितने हैं? मैं भी जब स्टूडेंट था ना तुम्हारी तरह तो ऐसा करने पे पिटाई हुई थी। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। शरद 35, कुलकर्णी 70, राहुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। थैंक यू सर। आहुजा 81, अरुणा 89.5, चांदनी 82, तारा चौधरी 89, अंजलि गॉट 100% मार्क्स। बस करो बस करो। अरे तुम्हें नहीं आ रहा हो, मेरी सर्विस में एक मिरेकल हो गया है। वो क्या है कि एक ही क्लास में दोनों को 100% मार्क मिला है। करण आल्सो गॉट 100% मार्क्स। जब मैं कहूं तभी ताली बजाओगे, नहीं तो ताली मत बजाना। बजाओ ताली। एसिड डाल दूंगा। अंजलि, एसिड डाल दूंगा। टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं चाची, मेरे एक सीनियर ने मुझे धमकी दी, मेरा फ्रेंड साथ रहेगा तो एसिड डाल देगा। वो सच में ऐसा करेगा क्या चाची? वो ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम उसे समझाओ कि वो जरा सावधानी से रहे। अब तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है। बहुत अर्जेंट है क्या? अरे मास्टर जी, क्या है? सबकी तस्वीरें तो अखबार में छपा करती हैं, आपकी तो बाथरूम के बाहर छप गई है। अरे आपका तो फोटोजेनिक फेस है। ये मेरी फोटो किसने चिपकाई? तू भी तो बहुत महान है वाले। स्टूडेंट्स को कोई मैनर्स नहीं है सर।
तेरा कटआउट नहीं बनना चाहिए, ऐसा सोच रहा तू? पता नहीं क्या समझते अपने आप को। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। अरे मारो इसको, अरे रुको रुको, टमाटर बहुत महंगा है सर। देखिए सर, चीफ स्टूडेंट मेरे को टमाटर मार रहे हैं। अंडा टमाटर से भी महंगा है, अगर तू टीवी का एंकर बनता तो बहुत अच्छा होता है। सर इतने लोगों में आप ही ने मेरी कला को पहचाना है सर। तू गलत समझ रहा है भाई, टीवी का सिंगर बदल सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं बदल सकते। तू जाके बैठ जा। कितना टमाटर बर्बाद कर दिया, मुझे हटा ही दिया। सबको मेरा नमस्कार, अब शुरू कर रहा हूँ राधा कृष्ण का वो नाटक। राधा बनेंगी मिस अंजलि और कृष्ण मिस्टर करण प्ले करेंगे। इस नाटक को मैंने ही लिखा है। नाटक लिखना इतना आसान काम नहीं, ये एक अद्भुत कला है। कुछ लोग आसानी से लिख लेते हैं, कुछ लोग जिंदगी भर लिख ही नहीं पाते। अरे ये बोल बच्चन क्यों दे रहा है यार मेरी तरह? अरे लाइट किसने बंद किया, मुझे बाहर क्यों खींच रहा भाई? कितने युग हो गए कृष्णा तुमसे मिलकर, कितने युग हो गए कृष्णा तुमसे बातें कर कर। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती कृष्णा। कृष्णा अभी तक तुम्हारी आराधना करके तुम्हारे प्यार से मैं जिंदा हूँ। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो कोई बात नहीं, मगर अपने दिल में थोड़ी सी जगह देकर तुम मेरी राधा हो ऐसा कह दो तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा प्रेम जीत जाएगा। तुम्हारा डायलॉग है बोलो। करण तुम्हारा डायलॉग बोलो ना। ए करण डायलॉग भूल गया क्या? ए डायलॉग, ए डायलॉग बोलो। कोई बात नहीं, ये नाटक है, चल बोल। राधा ये आकाश, ये जमीन, ये पानी जब तक रहेगा धरती पर तुम हमेशा मेरी रहोगी। ओके हाँ? सर देखिए उधर, ये तो फेविकोल की तरह चिपक गए हैं, हटाइए इनको। ये आकाश, ये जमीन, ये पानी जब तक रहेगा धरती पर तुम हमेशा मेरी रहोगी। कृष्णा अपने दिल में थोड़ी सी जगह देकर तुम मेरी राधा हो ऐसा कह दो तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मेरा प्रेम जीत जाएगा। सितारा ज्योति प्रभा सबके लिए मेरी सोच एक जैसी है, पैसा मंदिर के पेटी में डालो या मुझे तो भगवान तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं भगवान और दान देने वाले भक्त के बीच में फ्लाई ओवर की तरह हूँ। ये सच है? हाँ। इसे जानने में तो कितनी बार धोखा हुआ है। तुम इसमें 10 रुपए डालो, 10 महीने बाद मुझ जैसा खूबसूरत प्रिंस तुमको पैदा होगा। उस समय में वो नहीं हो सकता। नहीं होगा, सितंबर मार्च में एग्जाम है ना। कम्युनिकेशन गैप, इस सरस्वती माता के सामने मैं कह रहा हूँ तुम फर्स्ट क्लास से पास होगी। पहले 100 रुपए जल्दी डालो।
माँ, सरस्वती माँ, ये प्रिंस कह रहा है कि ये लड़की फर्स्ट, क्या पूरे स्टेट में फर्स्ट आनी चाहिए। आशीर्वाद दो माँ, और कसम तुम पूरे स्टेट में फर्स्ट आओगी। जाओ। हेलो हेलो, आपको क्या रैंक चाहिए? सिस्टर, अगर आपके मन में कोई विनती है तो पूरा करने के लिए कम से कम 100 रुपया दो मेरे को, आपकी मदद पूरी होगी। दे दो मैडम। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर ने ये मन से दिया है तो उसके मन में कोई ना कोई तो होगा, या फिर जवानी में कोई पंगा चल रहा होगा। अरे भाई, तुम कौन हो जो बेकारी कर रहे हो? सॉरी भाई, ये 100 रुपए के बदले में मैं तुम्हें 200 रुपया दे रहा हूँ। ओके ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय बाय। थैंक यू। नमो नारायणी नमो नमः। सरस्वती देवी का दूसरा रूप लगती हो तुम, परीक्षा में अच्छे से पास होगी। मनोवांछा फल सिद्धि। भगवान जी, परीक्षा में पास होना तो आसान है, ये तो मेरे हाथ में है, लेकिन प्यार में सफल होना वो तो आपके हाथ में है भगवान जी। किसी भी हाल में मेरा प्यार कामयाब होना चाहिए। शांताकारं नागसेनं भक्तनावं सुरेशं निस्पर्धम्। केशवाय माधवाय नमो नमः। हर प्यार को हासिल करने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है, और मुझे मेरा प्यार पाने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा, दक्षिणा इधर दो। हे भगवान, ये तो अलग ही। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय ऑनर टू एड्रेस दिस स्पीच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन द ग्लोरियस ओकेजन ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे। We still live in the concept of unity and diversity since our independence. Let us not forget our great leaders who fought for our independence. ये लो ना डार्लिंग, ये भी पीना पड़ेगा, ये भी खाना पड़ेगा। हाँ। चल मेरा क्लास है क्या? तुम यहाँ क्यों? तुम यहाँ भी भीख मांगोगे? Only 10 to 5 मेरा ड्यूटी, 5 to 10 ऑन ड्यूटी, 10 to 12 ओनली ब्यूटी। इट्स ओके, इसको भी मेरा वाला ब्रांड देना। हाँ भास्कर, ओनली सोडा 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 सोडा, और साथ में चिकन लेग पीस। अरे जा जल्दी लेके आ। क्या है ना, शराब पीना एक आर्ट है। फर्स्ट पैक में लेग पीस होना चाहिए, लास्ट पैक में लीवर फ्राई होना चाहिए, क्योंकि लीवर का दारू से झगड़ा नहीं होना चाहिए। समझ गया क्या? तुम तो हेल्थ केयर करते हो यार। अरे पैसों का भी सेविंग इसी के साथ साथ कर लिया करो। हेल्थ इज वेल्थ ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन बार में पैसा बचाते हैं। अरे हर बेवड़े में फायर होना चाहिए, शेर की तरह झपट्टा मारना चाहिए। अरे कल के बारे में सोचो मेरे भाई। अरे नारायण, हमारी इंस्टेंट इनकम है। कम ऑन डार्लिंग, तुम्हारी आंखें देख के मुझे पीने से पहले ही नशा हो जाता है। पीने की बात तो सभी सच बोलते हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अरे तुम्हारे प्यार में जान दे सकता हूँ, जान ले सकता हूँ, और खाने के बाद 500 रुपए टिप भी दे सकता हूँ। अरे बहुत पैसा है तेरे लिए, बाहुबली 3 बना हो गया। मिल गया बकरा। अरे नारायण, क्या है भाई? यहाँ सब लोग खर्चा करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कमाने के लिए आता हूँ। 5 मिनट में मैंने 500 रुपए नहीं कमाया तो मेरा नाम प्रिंस नहीं। प्रिंस का कमाल देख तू अब। तुम बोलोगी तो मैं पीऊंगा सुवर्णा, तुम बोलोगी तो मैं जीऊंगा सुवर्णा, तुम कहोगी वो मैं। दान दे दो भाई, दान करो भाई, दान दान करो भाई, दान दान करो भाई, दान करो भाई, दान करो, रुक दान। तुम्हारे लिए ले, चलने का लिहाज है। तुम बहुत ही नसीब वाले हो भैया, मेरा प्रेमी है ना, किसी को नाराज नहीं करता। ओके बहन, मैं फुल बाटली ले जाकर एडजस्ट करता हूँ। अबे बेवड़े वो रख दे, ये बॉटल रख दे। नशा चढ़ गया तो सब बेवड़ा है भाई। ओके दान मिल गया। इतना मेहनत से भीख मांगा और ऐसे ही चला गया। ये ले नारायण, बॉटल बोनस में विद 500 रुपीज। वो तेरे लिए, ये मेरे लिए।
अरे दिमाग लगा के तूने मेरा पैसा लेके गया हा? तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि भीख मांगने के लायक नहीं रहेगा तू। ये मेरा वादा है। आज तो बहुत देर हो गई। अम्मा से कहा था सुबह उठने के लिए क्या उठाया? मुझे कॉल भी नहीं किया। अरे सर, आप क्लास में बिना पढ़ाए चले जा रहे हो? ये कोई क्लास है? मुझे चिड़ियाघर लगा। सॉरी सर, लेट हो गई। क्लास में लेट आई तो चलेगा, लेकिन घर जल्दी चले जाना। मैं बच्ची नहीं हूँ सर, आई एम मैच्योर, यू नो। आई नो, इसलिए अर्ली जाने को कहा है। ए, अरे ये नंबर किसका है? मोबाइल का। अरे कौन से मोबाइल का है? नोकिया का, सैमसंग का, एप्पल का, ब्लैकबेरी का, किसी का भी। अबे खटमल, इतने नाम मत बता। सॉरी, जनरली मैं ये सब लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता हूँ क्लासरूम में, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। इस गधे ने तो, देखता हूँ ये नंबर किसका है। क्या कर रहा है? लगता सर ने फोन किया यार। फोन आ रहा है? सर का फोन। हमारे कंपनी में फोन लगाने के लिए आपका स्वागत है। आपके बच्चे सुखी रहे, आपकी बीबी किसी और के साथ भाग जाए, इसकी हम कामना करते हैं। सही है ना? सही है ना? तुम आवाज बदल के बात करोगे तो मैं पकड़ नहीं सकता। सर, क्लासरूम में सेल फोन नॉट अलाउडेड मैंने कहा था ना, तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुमको प्रिंसिपल के पास ले करके चलता हूँ। एक्चुअली ये मोबाइल मेरा है। लेकिन तुम तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सर, वो नंबर मेरा है, लेकिन मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा था। डोंट रिपीट दिस। अंजलि बोल रही हूँ। यार दारू है, चखना भी है, बहुत करेक्ट टाइम पे फोन किया है तुमने। यही चाहिए ना तुम्हें, इसीलिए फोन की हो। तुम आओगी या मैं आऊँ? छी, करण। सॉरी, आई एम किशोर, रॉन्ग नंबर। हेलो अंजलि। अंजलि कौन है? मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। नहीं माँ, वो अभी मैं फिल्म देख रहा हूँ। अच्छा, फिल्म देख रहे हो? पढ़ाई ठीक चल रही है ना तुम्हारी? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। प्लीज माँ, मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ, यहाँ डिस्टर्बेंस है माँ। अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो करण। हाँ अंजलि, बोलो अंजलि। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, मिले क्या? कहाँ? बीच रेस्टोरेंट में। ठीक है, रवि की बात सोचकर टेंशन हो रहा है। तुम टेंशन मत लो, इस वक्त वो वहाँ नहीं होगा। ओके अंजलि। ऑर्डर प्लीज सर। ओके थम्स अप। माजा। अच्छा, माजा पी के मजे लेने आए हैं? हाँ। थैंक यू। कुछ बात करो ना, मैं बोर हो रही हूँ। जब तुम सामने नहीं होती ना, बहुत कुछ कहने का मन करता है, लेकिन अब तुम मेरे सामने हो तो सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। बिल लेकर आओ। रुको, मैं देती हूँ, रुको ना। नो 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 नो। सो शैल वी मूव? ठीक है।
करण, इफ यू डोंट माइंड तो मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। श्योर, चलो। अंजलि, तुम मैथ बुक मुझे दोगी क्या? इतनी रात तक लाइट जला रहा है यार, लाइट बंद कर देना यार, क्या कर रहा है? अबे जानकी, नहीं तेरे को देने का टाइम आ गया, सो जा चुपचाप से, सो जा। देखो इसे, ये सो नहीं रहा है और ये जाग नहीं रहा है, क्या करें इनका। अरे करण, लाइट बंद कर दे यार। अरे देखो, बहुत स्पीड में आ रहा है हीरो। उसकी स्पीड मैं कम कराता हूँ। इधर आ। तुम्हारी एक्टिंग एकदम कमाल का था, नाटक था, इसलिए तुझे अंजलि के करीब जाने को कहा था। तू तो बहुत ज्यादा ही चिपक गया था रे। अगर दोबारा तूने ऐसा नाटक किया ना, तो तुझे ना कच्चा चबा जाऊंगा। मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, एयर पोल्यूशन करना चाहते हैं, तो जा। कॉपी तो इधर दे यार। कोई बात नहीं भाई। अबे दे। जा। राइटिंग बहुत अच्छी है, राइटर के लिए ट्राई कर। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर बाय सेंडिंग पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड विद द अपग्रेडेड गोली चला रहा है।
भागो भागो पागल कहाँ से आ गया? हाँ ये पागल कहाँ से आ गया? आइए सर, क्लासरूम के अंदर गोली चलाने वाला लड़का यही है। माफ कीजिए सर, ये मेरा बेटा है। रूल तोड़कर इसने क्राइम किया है, इसने जानबूझकर नहीं किया है। ही इज मेंटली रिटायर्ड, बचपन से इसकी दवाई चल रही है। थोड़ा ठीक हुआ समझकर इसे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। मॉर्निंग से मेरा पिस्टल ही नहीं मिल रहा था, मुझे इस पर डाउट आया था, तब तक ये घटना हो गई। और उनके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? उनके पेरेंट्स से हम बात कर लेंगे, उसके ट्रीटमेंट का जितना खर्चा होगा हम देख लेंगे। तो आप इसके साथ क्या करेंगे? अब हम इसे घर पर ही रखेंगे। ले लीजिए पिस्तौल। थैंक यू, आओ इधर आओ। इस घटना से हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, इसलिए हम कॉलेज 2 दिन बंद रखेंगे। हमने पहले जैसा प्लान किया था वैसे ही करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद करेंगे। ओके ओके सर। ओके 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 सर। सुनिए स्टूडेंट, आराम से चलना सब लोग, सावधानी से चलना नहीं तो खतरा हो सकता है। अभी संभल के जाओ सब लोग। ए सीनियर सिटीजंस, संभल के जाओ। हाँ? मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। कार्तिक को जो तुमने लव लेटर भेजा था कुछ जवाब आया? हैंडराइटिंग तो अच्छी थी, उसमें लिखा था कि नोट्स लिख के दो। मैडम संभाल के। हाँ वो नहीं गिरेगी। हाँ। गिराने की कोशिश मत करो। ग्रीन सिग्नल मिला क्या? अरे हमें ना ग्रीन मिला ना रेड मिला, तू चुपचाप से चल। अरे अरे वो भी गिर गया, उठाओ उसको। अरे तुम मत जाओ यार, अगर तुम गिर गए तो संभल के। अरे 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 बचाओ जल्दी, बचा लिया उसे। हे भगवान, डॉक्टर साहब आला तो कान में लगा लो। ओ थैंक यू। ये कुछ मेडिसिन है, लेके आओ। हाँ पानी में गिरने की वजह से तुमको बुखार हो गया है, 2 दिन तक दवाई खाओगे ना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे एग्जैक्टली मैं जो बताना चाह रहा था वही आप बता रहे हैं। आप डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर नहीं एक्टर हूँ, आप जैसे बहुत से डॉक्टरों से मिला हूँ ना। आप बहुत थक गए होंगे, आपको भी दवाई दूँ क्या? उसके साथ सोडा और इमली का अचार भी दे देना। मैं कंपाउंड में मिलाने वाली दवा की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपाउंडर की नस में देने वाली। ऐसा? इसकी कोई दवा नहीं है? क्यों नहीं है? इधर आ, जल्दी आ। सुनो इस स्पा को उसकी शर्ट में रखना, यहाँ पे, ठीक है? संभल के जाना, गुड लक। चुप चुप चुप। सर आपकी शर्ट में आग लगी है, देखो। सर पानी में जाइए सर, बुझाओ सर। आइए सर, सर आइए सर, बाप रे, आइए सर पानी में, आइए सर। हाँ सर, हाँ सर, सर डूब जाइए सर, हमेशा के लिए डूब जाइए सर। हाँ बुझ जाएगी, जल्दी करो सर, डूब जाइए सर, पूरा डूब जाइए सर। थैंक्स यार। सर बुझ गया, गुरु से भी आगे निकल गए। ए करण इधर आ। गुड मॉर्निंग सर। ए करण बुखार कैसा है? अभी उतरा नहीं है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ।
सब लोग मजाक समझते हैं। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। ओके सर। ओके नहीं भाई, तुम्हारे साथ अंजलि रहेगी, संभल के रहना। ठीक है सर। ओके ना, बाय बाय। घुमाएगा कौन? गाइड चाहिए। सर आप तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक और क्वेश्चन पेपर्स आप ही के हाथ में, गाइड की क्या जरूरत है? गाइड का मतलब हमें प्लेसेस को समझाने वाला, इसलिए तुम आज तक प्रिंसिपल नहीं बने। गाइड कब आएगा, कब देखेंगे? अरे वो जब आएगा तभी तो दिखाएगा ना। अब चलें। जी बोलिए। हमने सुना था कि आपको कोई गाइड चाहिए। ओ सब लोग ऑलरेडी चले गए हैं, कुछ बात करनी है तो अब शाम को आ जाइए। ठीक है। अंजलि, अंजलि, हाय अंजलि, एक्चुअली मैं बोर हो रहा था, कहीं बाहर चले? चलो। ए, मैंने इसमें एक चीज छुपाई है। हाँ मैं ढूंढ के निकालूंगी। अब बता कहाँ छुपाया है, बता। अब तुम ढूंढो। अंजलि चलो हम भी ये गेम खेलते हैं। ठीक है। ओके ओके। बेट लगाओगी? 100 रुपीस। ओके। अरे तुम ढूंढो ना। अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। चलो ढूंढो। एक बार मौका और दो ना। ओके सीधे स्लो स्लो ए स्लो यहाँ पे। ओके अब डालो यहाँ। हाँ ओके अब मैं हाथ हटाती हूँ। हाँ अब तुम ढूंढो। ओके एक दो यहाँ नहीं यहाँ। ए तुम हार गए, 100 रुपए दो। ये लो। कौन सा? जो मैं आंखें बंद करके करूंगा वो तुम्हें आंखें खोल कर करना पड़ेगा। ये तो बहुत इजी है, मैं कर लूंगी। अब कितने की बेट? 1000 रुपीस। रेडी? ओके ठीक है मैं शुरू करता हूँ। ये तुम आंखें खोल कर करो और 1000 रुपए जीत लो। ठीक है मैं करती हूँ। अंजलि अंजलि चलो उठो। करण बैठो। आके खोलो। तुम पागल हो गए हो क्या? 1000 रुपीज के लिए आंखों में मिट्टी डालोगी? मैंने 1000 रुपीज के लिए नहीं किया,
मैंने तुम्हारे लिए किया करण। तुम कहोगे तो मैं इस नदी में भी डूब जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। आई लव यू करण। तुम्हें मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बोल नहीं पाया। आई लव यू अंजलि, आई लव यू, आई लव यू सो मच। डियर स्टूडेंट, ये कलयुग है, इस कलयुग में दान करना बहुत जरूरी है। अगर दान करोगे तो तुम्हारा भला होगा। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। भैया दे दो अभी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबे ए, तू मेरा बीपी मत बढ़ा। ए, बीपी तो उस दिन तूने मेरा बढ़ाया था, अब मैं तेरा बीपी बढ़ाऊंगा। तेरे को समझ में नहीं आया उस दिन क्या हुआ था? ए, नया बकरा समझ के मैंने ट्राई किया था, अभी भी मेरे अंदर बेवड़ा जिंदा है। अभी आधा या फुल मार के आ गया ना तो तेरे को बता दूंगा मेरी औकात क्या है। समझा क्या? औकात किसे बता रहा है, मैं तुझे जानता हूँ। 7 दिन 24 घंटे तुझ पे नजर रखता हूँ मैं, मुझे सिखाएगा तू? अरे तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, समझा? कभी लंगड़ा बन के आता है, कभी अंधा बन के आता है, हाँ लोगों से पैसे लूटता है, झूठ बोलता है, सब पता है मुझे। अरे सब पता है, तेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब है, और तू तो बासमती चावल खाता है, पता है मुझे, समझा? अभी मेरा माइंड सेट हो गया फाइट करने के लिए, तू तैयार हो जा, चला जा मैदान में। अरे मैदान में क्यों, यही लड़ते है ना, क्या समझ रहा है तू मुझे? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सर आप बहुत समझदार आदमी हो, आप भी हमारा फैसला कर दो। जो भी मैटर है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तुम लोग। कॉम्प्रोमाइज ओनली, कंपनसेशन चाहिए सर। कितना? 5,000। ओके जल्दी दे। दैट इज मैं। एक गाना गा। टिंग 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 टिंग, ए ये लड़की बिना देखे चली गई है, क्या बात है। हे मैं लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरुआत करूँ। हे इधर आ। अरे भाई मत करण। देख इस डरपोक से तुम प्यार करती हो, ये अभी नहीं शादी के बाद भी तुझे छोड़ के भाग जाएगा। मेरी तरह हिम्मत वाले से प्यार करोगी तो जीवन भर तुम खुश रहोगी। करण अलियास करण कुमार रेड्डी, जब तुम वार्निंग देते थे मेरा उसके साथ अफेयर नहीं था, लेकिन अभी मैं अंजलि से सच्चा प्यार करता हूँ। चाहे मैं जितना भी सीधा लगता हूँ, लेकिन अपनी प्रेमिका की बेइज्जती देख नहीं सकता। हाँ और कर मुकाबला मुझसे। करण,
सर पुलिस स्टेशन माँ के प्यार में अनुराग होता है, पिता के प्यार में विश्वास होता है, दोस्तों के प्यार में त्याग होता है, लेकिन अंजलि का प्यार मेरे लिए जिंदगी है। अगर तू हमारे प्यार के बीच आया तो माँ कसम मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दूंगा। सैनिक और प्रेमिका को नुकसान पहुंचा है तो वो तो गया, अगर फिर मुझे तुम यहाँ पे रैगिंग करते हुए दिखे काट के रख दूंगा। चल भाग। सर 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 मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं जेल में है। तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे ने गोली चलाई। देख ही मैं वो। चल चल सर सर प्लीज। आया बाय कहीं का। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। ये तो मुझे पता है, आज मेरा बर्थडे है। सच में? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो पार्टी कहाँ है? पार्टी मेरे घर पे है और तुम्हें आना है। चलो ठीक। यू आर माय स्पेशल गेस्ट। जरूर आऊंगा। सब रेडी है अंजलि, गो अहेड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंजलि। ये मत बुझाना। क्या हुआ? एक इंसान की उम्र 100 साल होती है ये भगवान डिसाइड करता है। कुछ लोग ज्यादा जीते हैं और कुछ लोग बीच में ही मर जाते हैं। तुम्हारी उम्र ऑलरेडी 17 इयर्स हो चुकी है, ये बुझ जाएगी तो चलेगा, लेकिन ये जो 83 वाली है ये ना ब्राइट कर देगी तुम्हारे फ्यूचर को। वाओ सुपर। थैंक यू। ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है क्या? उससे भी कहीं ज्यादा। Happy birthday to you. Thank you. Actually, अच्छा। Students, सिर्फ पेपर से नहीं, तुम लोगों को भी सुधारना मेरे बस की बात नहीं। हमें सुधारने के लिए ही तो आपको पगार मिलती है सर। मैं नहीं सुधारता हूँ तो क्या तुम बिगड़ जाती हो? क्या सर, टीवी सीरियल के हीरो की तरह लग रहे हो। क्या बात है सर, शर्ट नया, पैंट नया, शूज नया, सॉक्स नया, पैंट के अंदर जो है वो। ज्यादा डीप में मत जा, वो भी नया है। ओ मैं जिसको टच करता हूँ उसको दोबारा टच नहीं करता हूँ। वो सेलफोन या चौक भी हो सकता है या डस्टर भी हो सकता है, जस्ट फेदर टच। सर आपको बच्चे नहीं है सर? यूट्यूब में डाले थे? नहीं, मेरा अनुमान था क्योंकि आप एक हंस लो, दिल खोल के हंसो मुझ पे। अगर मेरा मजाक उड़ाने से तुम्हारे दिल को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो हर रोज मैं तुम लोगों का मजाक बनने को तैयार हूँ। खुद का बच्चा ही बच्चा नहीं होता, तुम सब लोग भी मेरे बच्चे हो। सॉरी सर। कल से तुम सबको प्रिपरेशन हॉलीडेज, इंटरेस्ट ना हो तो घर में बैठ के पढ़ना, डाउट रहे तो रिवीजन क्लास अटेंड कर लेना, लेकिन पढ़ना तो कॉमन है। हम दोनों की जाने वाली ट्रेन अगर एक हो तो कितना अच्छा होगा ना। जाने वाली ट्रेन के बारे में नहीं, पहले पढ़ाई के बारे में सोचो। तुम्हें देखे बिना मैं ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता अंजलि। मैं भी नहीं रह सकती करण, लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है। अनाउंसमेंट हो गया है, तुम निकलो। अनाउंसमेंट होने से 5 मिनट बाद ट्रेन निकलेगी, तुम टेंशन मत लो। अरे जाओ, ट्रेन छूट जाएगी।
ट्रेन छूट जाएगी, गो। ओके बाय। करण, करण, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकती। जब तुम्हें जाने को कहा तो क्यों नहीं गए? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? दोबारा ऐसा मत करना, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। जी नहीं पाऊंगी? ये तुम क्या बोल रही हो? किससे बात कर रही हो? करण है, वो मेरा फ्रेंड है। मुझे तो वो फ्रेंड नहीं लग रहा। हाँ मम्मी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो लोग भी हमारे जैसे हैं। उसका पूरा परिवार विजयवाड़ा में ही रहता है। उसके पिता नेगी रेडी हैं। देखा आपने, उन लोगों ने कल बर्थडे को मैरिज सेलिब्रेशन की तरह मनाया। हाँ। मेरा बर्थडे भी ऐसे ही मनाना डैडी। हाँ। कल उन्होंने बर्थडे पे जितना खर्चा किया था, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बेटी की शादी में इतना खर्चा कर पाओगे। आप तो पार्टी वालों को ले जाके बंदर रोड बेन सर्कल में जाके साइड दिखाते रहते हो। आपको तो सिर्फ कमीशन मिलता है, सारा प्रॉफिट जीजा ले जाता है। इस बार आप हक के साथ ज्यादा हिस्सा मांगिए। ये पीना वीना बंद करो और मेरी बात पे ध्यान दो, पता नहीं तुमको कब परेशान हो जाएगी। अब बस भी करो। करण, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनूंगा। वाओ, और तुम बेटा? डॉक्टर। वेरी गुड। सुनिए जी, छोटू को तो हम कलेक्टर ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात है, हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। हाँ। हेलो, कलेक्टर बनोगे ना तुम बड़े? हाँ, हेलो। अरे भाई, पता है तुम्हें, तुम्हारा भांजा इंजीनियर बनेगा और तुम्हारी भांजी डॉक्टर बनेगी। तुम्हारी बेटी डॉक्टर और तुम्हारा बेटा इंजीनियर, लेकिन मेरी बेटी कम से कम नर्स तो बन जाए। क्या बात है, आज तू इतने गुस्से में क्यों बात कर रहा है? कभी ख्याल करती हो हमारा? आप, आपको लाखों रुपए मिलते और मुझे क्या, भिखारी हूँ। मुझे 50 लाख चाहिए अभी। 50 लाख? हाँ दीदी। कल हमने तुम्हें 10 लाख दिए थे और परसों 20 लाख दिए थे, और आज तुम 50 लाख मांग रहे हो? क्या रोज रोज पैसा ही देते रहेंगे? तुम मुझे 50 लाख रुपए दोगी या नहीं? ये बात अगर उन्हें पता चल गई ना। पैसे दे रही हो या नहीं? तुम क्या धमकी दे रहे हो? अगर धमकी दे रहे हो तो नहीं दूंगी, जाओ। तो कल क्या होगा देखती रहो दीदी। अमृता। मामा जी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। थैंक यू। आओ बेटा। मामा जी, मुझे स्कूल जाना है। अरे आओ बेटा। अरे मेरा बेटा। छोड़ो अमृता। मामा जी, अंकल उसे घर ले जाओ। छोड़ो, मुझे स्कूल जाना है। अंकल उसे छोड़ दो। चुप। चुप। चुप चुप चल। मामा जी। हेल्प। हेल्प। इस गाड़ी का पीछा करो जल्दी। विजयनगर में अपने पापा के घर चली जाती हूँ मैं।
लेकिन क्यों? वो इन लोगों को भी मार डालेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बाहर आए तो उसे सजा मिलने तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। अगर बाहर आ गया तो? ऐसा नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। पिताजी हम अपने बहन को भी साथ ले जाएंगे। ठीक है बेटा, ले जाओ। उनके और हमारे बीच पुराना झगड़ा है, लेकिन तुमने उसी के साथ जाके प्यार किया। क्या हुआ, तुमने वो भी गलती कर ली? अगर मैंने झूठ कह दिया तो मम्मी मेरी शादी करा देंगी। हाँ हाँ मम्मी, तुमने हमारी नाक काट ली, अगर ये बात तुम्हारे पिताजी को मालूम पड़े तो मार डालेंगे। कौन है वो? आपकी बहन वसुंधरा का बेटा, ये जिस कॉलेज में पढ़ती है वही पढ़ता है। हेलो। हेलो करण, हमारे प्यार के बारे में मेरे घर में पता चल गया। अच्छा, तुम कोई और नहीं, मेरी आंटी के लड़के हो करण। आंटी का? अभी तुम कहाँ हो? कौन दो बेटी? कॉलेज में हूँ। हेलो हेलो अंजलि, हेलो। यही है ना वो फॉरवर्ड ऑप्शन? इसे डिलीट कर दो। हेलो करण, हेलो 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 करण, हेलो हेलो करण, करण क्या हुआ तुम्हें, कुछ बोलो ना। हे, ये लोग करण को मार रहे हैं, जल्दी आ रही, देखो वो करण को मार रहे हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ, मारो, आ जाओ, मार इनको, मार इनको, मार इनको, मार इनको, प्लीज बात करो करण, मार मार इसको, मारो मेरे करण को, मारेगा, मार मार मारो मारो मार इसको। ससुरे मारो इनको। एक्सक्यूज मी, करण का रूम? उस रूम में जाइए। अरे डैडी, बेटा बेटा ये बेटा किसने मारा तुम्हें, ये चोट कैसे लगी? नहीं डैडी, किसी ने नहीं मारा, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। अरे ये एक्सीडेंट का घाव नहीं लग रहा है, बता क्या हुआ? हे बताओ मुझे क्या हुआ। करण सही बोल रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। आप लोगों की बातों पे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सुनो नरसिम्हा, इसकी एग्जाम खत्म होने तक तुम हमेशा इसी के आसपास रहोगे, समझ गए ना? डैडी, डैडी फोन। जो मेरे बेटे ने मुझे नहीं बताया वो मुझे सेल फोन बताएगा, तब तक के लिए ये फोन है।
चलो। तुमने जो हमारी बेइज्जती करवाई है वो काफी है, अभी एग्जाम नहीं कुछ नहीं, घर में पड़ी रहो। सुधा तुम कैसी बातें करती हो हुँ? अरे मेरे से डरकर हर विजयनगर वाला भागता है, मैं उनसे डरकर अपनी बेटी की पढ़ाई बंद करूं? नो चांस। बात वो नहीं, कल लोगों को पता चलेगा तो इसकी शादी कैसे होगी आप ही बताइए। ओके, इसे तुम्हारे भाई बहन पसंद करते हैं ना, हम उससे शादी करवा देंगे। उसको फोन करो, अपने भाई को फोन करो। क्या बात है जीजा, आप तो हमेशा सीना तान के खड़े होते हैं, आज ऐसे छोटे बच्चे बन के खड़े, क्या हुआ? बेबी भी दुखी दुखी है, बात क्या है, समझ नहीं आ रही मुझे। कोई बात नहीं है भाई, तुम्हारे जीजा इसकी शादी तुमसे ही करवाना चाहते है। दीदी ये उल्टी क्यों कर रही है? कल ना इसने गलती से ड्रिंक कर लिया इसलिए उल्टी हो रही भाई। मैं तो रोज शाम को दारू पीता हूँ, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। दीदी समझ गया, इसका जो रोज का कॉलेज का आना जाना है ना, उसी के अंदर कुछ कांड हुआ है। सुधा मैरिज ब्यूरो में फोन करके अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढो। जीजा जी मैं तो अंजलि से शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर अंजलि की मर्जी हो तो, अगर कहीं ये मिलकर भाग गए तो मैं क्या करूँगा। सुनो इसीलिए तुम अभी से इसके बॉडीगार्ड बन जाओ, और ध्यान से सुनो, एग्जाम खत्म होते ही तुम्हारी इससे शादी कर देंगे। भिक्षा दो सर, नहीं देना है। भिक्षा दो सर, नहीं देना है। भिक्षा दो सर, अरे नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? भिक्षा दीजिए सर, भिक्षा। अरे हाथ पैर सब सही सलामत है, फिर भी भीख मांग रहे हो ब्लडी बेगर। अरे यू आर ऑल्सो ब्लडी बेगर। मुझे बेगर बोल रहा है तू? 100% तुम बेगर हो, पैदा होते ही तुम अपनी माँ से भीख मांगा, माँ दूध दो बोला कि नहीं, और तुम पढ़ाई करते वक्त अपने बाप से पॉकेट मनी मांगा, वो भी भीख था कि नहीं बोल। काम पाने के लिए गवर्नमेंट के दरवाजे पे जा जाके काम मांगता था, वो भीख था कि नहीं। उसके बाद बॉस से काम के बदले में पैसा मांगता था, वो भी एक तरह का भीख ही था। यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं नहीं, सबके साथ भिखारी है। अगर कोई भिखारी नहीं है तो वो किसान है, किसान है, किसान है। भिखारी से पंगा ले रहा था, भिखारी कहीं का। हेलो करण, मैं अंजलि बोल रही हूँ। उस दिन तुम्हें सारी सच्चाई बताने से पहले किसी को मारने की आवाज आ रही थी। आखिर सच क्या है करण? तुम कौन हो? हम बाहर वेट कर रहे हैं करण। अंजलि ऑल द बेस्ट, चलो रे। ए, अपना लिखो। ए, दान करो, कोई दान करो बहन। प्रिय विद्यार्थियों, आज शाम को प्रिंसिपल की बेटी की शादी है, याद दिलाने के लिए बोले थे। आप सभी आदर सहित शादी समारोह में आमंत्रित हैं। नमस्ते। Hmm?
कल आखिरी एग्जाम है। ओके। हेलो, क्या कर रहे हो बेटा? मैं शादी में हूँ डैड। अंजलि कौन है? वो और मैं प्यार करते हैं डैडी। ए, जानते हो वो कौन है? डैडी, तुम्हारे मामा की बेटी है वो, जिसने तुम्हारी बहन को मारा था। उसकी फैमिली और हमारी फैमिली में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, भूल जाओ तुमसे। प्लीज बेटा, एग्जाम पे ध्यान दो। ओके डैडी। हाय रम्या। आज तक किसी लड़के ने मुझे अपने नाम से नहीं पुकारा। नाम क्या, हमारी तो जोड़ी भी कमाल की है। कसम खा? अरे कसम वसम में क्या रखा है, मैं हूँ तुम्हारा लवर। लवर? या, लेकिन तुम इसमें इतना एक्साइट क्यों हो रही है डार्लिंग? नहीं जानती। क्या तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता? प्यार का मतलब मुझे नहीं पता। देखो, जिंदगी में ज्यादा पैसे का लालच करने वाला मर्द और जलने वाली औरत कभी दोनों सुखी नहीं रह सकते। इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। मुझ में क्या है ऐसा कि तुम प्यार करते हो? वो क्या है कि तुम्हारा बैकग्राउंड देख कर मैंने प्यार किया। अरे तुम नीचे क्यों गिर गई?
तेरा मेरा साथ रहे कोई कुछ ना कर पाएगा, तेरे मेरे प्यार का रिश्ता कैसे मिट पाएगा। तेरा मेरा साथ रहे कोई कुछ ना कर पाएगा, तेरे मेरे प्यार का रिश्ता कैसे मिट पाएगा। किसको बताए किसको सुनाए कितना गम है इश्क में, इश्क खुदा इश्क दवा, इश्क है खुशबू इश्क वफा, ये इश्क दुआ ये इश्क सदा, ये इश्क से इश्क ना होगा जुदा। कोई गम तुझे जो हो यारा, आंखें नम तेरी भी हो यारा। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। अंजलि रो क्यों रही हो? हमें आशीर्वाद देने के लिए ना मेरे मम्मी पापा है ना तुम्हारे मम्मी पापा है, हमारे फ्रेंड्स भी साथ नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, पूरा इंडिया हमें आशीर्वाद दे रहा है। ये प्रेम की गांठ है, इस गांठ की तरह हम दोनों जिंदगी भर साथ साथ बंधे रहेंगे। मैंने सही कहा ना? चलो अरुंधति नक्षत्र देखते हैं। हाँ। ये दिन में नक्षत्र नहीं दिखेगा, तुम दुखी मत होना। अलग रहने से अच्छा है कि हम दोनों साथ मर जाए। ए, जब तूने मेरी बच्ची को मारा था तभी तुझे मार देना चाहिए था। आज तेरी बेटी मेरे बेटे को लेकर भाग गई। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बेटे को भी आ गया है। तुम्हारा बेटा ही मेरी बेटी को भगा के ले गया। तुम मेरे बहन के पति हो इसलिए छोड़ रहा हूँ वरना। उसका फोन नंबर है तुम्हारे पास? फोन लगाओ।
स्पीकर ऑन करो। करण, अंजलि, करण, 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 अंजलि, अंजलि, ये देखो यहाँ पर है। हाँ, अरे क्या कर लिया? कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। क्यों ये कैसे हो गया? तो बहुत गलत हुआ। चलो चलो, हाँ देखो चल के। अंजलि उठो, जिंदा है। इसकी माइनॉरिटी ना खत्म होने से इन्हें पेरेंट्स को सौंपना पड़ेगा। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। हम दोनों को अलग मत करना। अगर इनको घर पहुंचाए तो उनके घरवाले इनको मार देंगे सर। आज कॉलेज में रैगिंग नहीं होती, हम लोग खुशी से पढ़ रहे हैं सर। इसका श्रेय करण को ही जाता है सर। सर सेव पावर, सेव वाटर, सेव नेचर, सर ऐसा भी होना चाहिए कि सेव लवर सर। वो सब समझ में आता है, आगे का पढ़ाई का खर्चा कौन देगा? हम देंगे। प्रैक्टिकल में ये सब बहुत मुश्किल है सर। इनके प्यार के लिए मैं ये 200 रुपए दे रहा हूँ सर। ये मेरी तरफ से, हटो हटो, ये लीजिए इनके प्यार के लिए, ये मेरी तरफ से। अब तक मैंने सीएम के और पीएम के, एमपी के, एमएलए के, आखिर गली के गुंडे के लिए मैंने सिक्योरिटी दिए। इसके सच्चे प्यार के लिए पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम ना हो, गवर्नमेंट को बोल के सिक्योरिटी दिलवाएंगे। मेरा कुछ नहीं है, ये सच्चे प्यार है। पवित्र और सच्चे प्रेमियों, जल्दबाजी से नाराज होकर कभी खुदकुशी मत करना। हर प्यार करने वाले के लिए एक रास्ता जरूर मिलेगा। हमने जैसा दिखाया वैसा किसी भी रूप से मदद जरूर मिलेगी। आप जैसे प्रेमियों को बचाना ही हमारी एक छोटी सी कोशिश है।